Rehan, we are live now. Call Bubbly and ask her. This is what's happening. Please. Ever since I took you. Rehan, are you there? बेटा आप लोग लाइव हैं, मसले शुरू कर दो शफ़क, आप शुरू कर ध्यान का है। ओके, मैं स्टार्ट कर देती हूँ देन। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शफ़क नईम एंड आई एम डूइंग एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। अलॉन्ग विद दैट आई एम वर्किंग विद एसएसडीयू एज अ लेजिस्लेटिव इंटर्नी। मेरे साथ मेरे को होस्ट मौजूद हैं रेहान बशीर, उनका ताल्लुक बेसिकली मुल्तान से है और वो भी एसएसडीयू के साथ एज अ लेजिस्लेटिव इंटर्नी वर्क कर रहे हैं। सो बेसिकली आज का हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, ये एसएसडीओ के कोलैबोरेशन के साथ जो ऑनलाइन सेशन है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। इस पर हमने बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे मुआशरे का बहुत अहम इशू भी है और इसके बगैर हमारे मुआशरे में सिविलाइजेशन की बुलंदियाँ हासिल करना नामुमकिन सा नज़र आता है। आज हम बिल्डिंग द नरेटिव ऑफ टॉलरेंस एंड हारमोनी अमंग थ्रू द वुमेन ऑफ पाकिस्तान पर बात करने जा रहे हैं। आज इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि हमारे जो तीनों गेस्ट हैं जो मौजूद हैं, वो तीनों गेस्ट इस पर बहुत ज़्यादा अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं और अपने अपने लेवल पर औरत की उसके हकूक़ के तहफ़ के लिए कोशिश कर रहे हैं और सरगर्म हैं। तो सबसे पहले मैं अपने तीनों गेस्ट का तारुफ करवाना चाहूँगी। तो हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ आई बिलीव अभी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, बट एज सुन एज पॉसिबल मिस एम पी ए उज़्मा कादरी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, जिनका ताल्लुक PMLN पार्टी से है। इसी के साथ साथ हमें MPA सानिया कामरान साहिबा ज्वाइन करेंगी, जिनका ताल्लुक PTI से है। वो भी एक पार्लियामेंटेरियन पंजाब असम्बली की एक मेंबर हैं और बहुत सारे बिल पास करवा चुकी हैं और बहुत सारी मतलब हमारे लिए, हमारे सिटीजन्स के लिए बहुत सारे उनके हकूक के लिए वॉइस रेज कर चुकी हैं। साथ ही साथ हमें मोहम्मद अली साहब ने ज्वाइन किया है। बेसिकली ही इज अ माइंड इंजीनियर, ही इज ऑल्सो ऑथर, ही इज NLP ट्रेनर एंड ही ऑल्सो बॉडी लैंग्वेज मास्टर ट्रेनर। इनके साथ साथ ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काउंसलिंग कर चुके हैं और इसके साथ साथ ट्रेनिंग सेशन भी दे चुके हैं। तो मैं अपने गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इवन दैट हमारी MPS के भी, वो भी बहुत जल्दी हमें ज्वाइन करने वाली हैं। ड्यू टू सम नेटवर्क इश्यूज आप जानते हैं कि ऑनलाइन सेशन में जो ये चलता रहता है। तो बाय द वे थैंक यू सो मच मिस्टर मोहम्मद अली साहब, कैसे हैं सर, आपका मिजाज कैसा है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से है और आपके भी उम्मीद है कि सब ठीक होगा। और मैं आपको ये बताना चलूँ कि ये ऑनलाइन की दुनिया में ये सब कुछ हमें साथ लेकर चलना है और यही हमारी टॉलरेंस है। जी सर, ऐसा बिल्कुल ही है, लेकिन क्या करें, हमें करना पड़ता है फिर भी। और कोविड की वजह से तो हमें वैसे ऑनलाइन सेशंस वगैरह अटेंड करने का काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, तो हम ये सार सब कुछ जानते हैं, इट्स अ क्वाइट नेचुरल थिंग। बाय द वे लेट्स कंटिन्यू आवर प्रोग्राम टुडे। सो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, टुडे द टॉपिक ऑफ आवर सेशन इज बिल्डिंग द नरेटिव ऑफ टॉलरेंस एंड हारमोनी थ्रू वुमेन ऑफ पाकिस्तान। हमारे टॉपिक में बेसिकली चार बहुत अहम जो अल्फाज हैं वो मौजूद हैं, जिसमें वुमेन, पीस, टॉलरेंस एंड हारमोनी, ये वो चार अल्फाज हैं कि इनके बगैर हमारे मुआशरे, लेकिन ये वो चार अल्फाज हैं कि अगर इनको हम अपने मुआशरे से निकाल दिया जाए तो मुआशरा तबाह पजीर हो जाता है। ये वो चार अल्फाज हैं कि अगर इनको हम अपने मुआशरे में शामिल कर लें तो हम अपने पाकिस्तान को आज और मुस्तकबिल में बेहतरीन मिसाल बना सकते हैं। और इन तमाम ममालिक के लिए जहाँ औरत महफूज नहीं है, जहाँ औरत अमन और टॉलरेंस को प्रमोट करने के लिए अम्बेसिडर नहीं है, और यही हम अपनी आने वाली नस्लों को गिफ्ट के तौर पर पेश कर सकते हैं।
तो इसी के साथ इन्हीं चार अल्फाज को आगे मैं लेके जाना चाहूंगी और मैं देख सकती हूँ मे बी हमें जो जी रेहान ने मे बी वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उनका नेट कनेक्शन सही हो गया, लेकिन मैं ही पहला सवाल कर लेती हूँ मोहम्मद अली साहब आपसे। तो मैं पहला सवाल सर मैं यही चार अल्फाज को लेके जाना चाहूंगी और मैं आपसे पूछना चाहूंगी व्हाट डू यू थिंक हाउ दीज वर्ड्स हेल्प अस टू ब्रिंग आवर नेशन ऑन अ ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस। आप क्या समझते हैं जो चार अल्फाज मैंने एक दफा आपको बताए हैं पीस वुमेन टॉलरेंस हार्मनी जो कि आज के हमारे टॉपिक का अहम हिस्सा है, ये हमारी तरक्की की इस मुल्क की तरक्की को लेके जाने के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? व्हाट यू थिंक? गो अहेड मिस्टर मोहम्मद अली। नहमद हुवन सल्ली अला रसूलिल करीम मा बाद औज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शराह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शफक बेटा आपने एक पांचवा लफ्ज़ इसमें मिस कर दिया और वो लफ्ज़ है पाकिस्तान, जिसके गिर्द ये सारा कुछ घूम रहा है। ठीक है बेटा, मैं पहले तो मैं चाहूँगा कि हम इन वर्ड्स को डिफाइन करें और समझें कि ये वर्ड्स है क्या, पीस है क्या, टॉलरेंस है क्या, हारमनी है क्या, औरत है क्या, और पाकिस्तान के लिए ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर एक मैं लोगों को जो समझाना चाहूँगा वो ये समझाना चाहूँगा कि ये सब इकाइयाँ हैं एक माशरे की, बल्कि एक घर की। उस घर में औरत का किरदार एक पिविट का किरदार होता है। ठीक है, जो चाहे तो अपने घर को जन्नत और चाहे तो अपने घर को जहन्नुम बना सकती है। हम आज ये बात तो करते हैं कि हमने मर्दों की परवरिश, बच्चों की परवरिश, बच्चियों की परवरिश में हम उनको हर तरह की डिग्रियां, हर तरह की आसाइशें दिलवाने में तो लगे हुए हैं, लेकिन क्या हम उनकी तरबियत पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं? दोनों की, मैं मर्द और औरत दोनों की तरबियत की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेपोलियन ने कहा था गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। Now, why and what is a good mother? मैं इसको इसलिए समझता हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अगर हमारी मुसलमानों की तारीख बल्कि इंसानों की तारीख उठा कर देखें, ठीक है, तो औरत ही है वो है जिसने हमेशा मर्द के साथ शाना बशाना खड़े होकर काम किया। फिर वो चाहे जिहाद में पानी पिलाना था तो वो भी औरतें ही थी। ठीक है, फिर वो चाहे हमारे पे एक कॉन्सेप्ट बन गया ना कि जी औरत ने सिर्फ चार दीवारी में अंदर रह के काम करने हैं। मैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिविजिट करना चाहूँगा और स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि जी औरत के जिम्मे जो है ना वो, हाँ औरत वो इंसान है या वो अल्लाह की मखलूक है जिसके जिम्मे मल्टी टास्किंग लगा दी गई है, और मल्टी टास्किंग में वो घर भी संभालेगी, उसको बहुत सारी बॉल्स को जगल करना पड़ता है। उसके अंदर अगर औरत अपने हिसाब से सही काम कर रही है और मुआशरे में हमने औरत की उसको ड्यू मुकाम दिया है, ड्यू जस्टिस दी है, ड्यू रिस्पेक्ट दी है, तो वो घर में पीस भी मेंटेन करेगी। टॉलरेंस तो औरत को अल्लाह ने बहुत ही ज़बरदस्त दी हुई है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि जितनी टॉलरेंस एक औरत के पास है शायद मर्द के पास नहीं है। ठीक है, जब पीस मेंटेन होगा उसकी टॉलरेंस एक्टिवेट होगी तो ऑटोमेटिकली हारमनी तो आ ही जाएगी। हारमोनाइजिंग द सिचुएशन is not one thing, it's a combination. लेकिन यहाँ मैं एक और वर्ड को भी ऐड करना चाहूँगा शफक, और वो वर्ड है बेटा पेशेंस का। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा गलत समझा जाने वाला लफ्ज़ है सबर, पेशेंस। ठीक है, और टॉलरेंस उसी से लिंक्ड है। मैंने इसलिए इस वर्ड को बीच में ऐड किया है क्योंकि हमारे यहाँ ये लोग ये समझते हैं कि जी अगर मैं बर्दाश्त करता रहूँगा हर चीज़ को तो मैं साबिर हूँ। ये सबर की डेफिनेशन नहीं है। अल्लाह सुभान व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें सब्र की डेफिनेशन सिखाई है, और वो डेफिनेशन है हिकमत, वो डेफिनेशन है मसलहत, वो डेफिनेशन है मामला फहमी, वो डेफिनेशन है सिचुएशन के मुताबिक एक्ट करना। औरत को ये तमाम चीज़ें अल्लाह सुभान ताला ने मुहैया करके दी हैं, जो कि हम जो मैं हमेशा एक चीज़ जब बताता होता हूँ, एक सेंस होती है हमारी जिसे मैं कहता हूँ वुमेन सेंस। वुमेन सेंस जो है वो औरत को फौरन पता चल जाता है किस वक्त बच्चा जो है वो भूखा है, किस वक्त बच्चे जी किस वक्त जो है वो उसने क्या करना है। तो इसलिए औरत वो इकाई है जिसको हमने जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, इसको रिस्पेक्ट के साथ, इसको प्यार के साथ, लेकिन इन सब के बावजूद इसको तरबियत की सबसे ज्यादा जरूरत है।
क्योंकि अगर सर हमारे मुआशरे में, जी सर मैं आपको सॉरी ड्रॉप कर रही हूँ, हमारे मुआशरे में शफक आपकी आवाज चली गई बेटा, कि जो एक औरत ही है जो हमारी पाकिस्तान की आधी आबादी है, अगर वही है जो इस मुल्क में पीस के लिए जितना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है, हमारी जनरेशन को आगे उनको एजुकेशन दे सकती है, उनकी तरबियत कर सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली इट्स अ बिटर रियलिटी ऑफ पाकिस्तान के यहाँ पर औरत को वो मकाम नहीं दिया जाता जो कि इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है। शफक इसमें मैं बेटा थोड़ी सी चीज़ ऐड करूँगा कि इसमें मैं ना एक आपको छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं दुबई में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की ट्रेनिंग करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और वुमेन लीडरशिप की ट्रेनिंग थी। उनके कंपनी में जो वुमेन लीडर्स थे वो दे आर ओनली लेस देन 5%, तो उनका टारगेट था कि हमने 5 साल में 25% वुमेन लीडरशिप ग्रूम करनी है। तो मैंने उनकी जो HR मैनेजर थी माशाल्लाह बड़ी अच्छे जुस्से की खातून थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा व्हाई मी, आप एक औरतों की ट्रेनिंग कराना चाहते हैं और आप एक मर्द को बुला रहे हैं जबकि औरतों की ट्रेनर्स की कमी नहीं है दुनिया में, व्हाई डू यू वांट मी टू कम एंड ट्रेन। तो उन्होंने एक बात की और वो कहने लगे, वो बात मैं यहाँ पर कोट करूंगा, उन्होंने कहा फॉर टू रीजंस, नंबर वन वी वुमेन आर आवर बिगेस्ट एनिमीज, हम औरतें अपनी सबसे बड़ी दुश्मन हैं, एंड दूसरा उन्होंने ये कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि वी नीड अ मैन टू टेल अस इफ वी लुक गुड और नॉट। मैं दोनों बातें आज के हिसाब से बिल्कुल सही हैं लेकिन टेक्निकली गलत हैं। टेक्निकली क्यों गलत है? क्योंकि औरत जब घर में सुकून पीस रखेगी तो उसके बंदे भी, उसकी हर चीज बाहर जाएगा, जो इंसान जब उसको घर में जब वो आएगा बाहर के स्ट्रेसेस को लेकर, तो वहां पर उसको और ये बात मैं दोनों के लिए कर रहा हूँ बाय द वे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ मोहब्बत से देखना भी सदका है। हमारे यहाँ इसका आगाज कहाँ से होता है? अब बच्चों से, जब बच्ची बड़ी हो रही होती है, तुम बहू बन के जाओगी, भाऊ, सास, हमारे यहाँ शुरू से ही इस किस्म के नेगेटिव कॉनोटेशंस बच्चों को सिखाए जाते हैं और बड़े होते होते वो इनके असर में पूरी तरह नंद और पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करके मुआशरे को हमने खुद ख़राब किया है। और इसके पीछे औरतों की तरबियत ना होना, मैं बार बार तरबियत की बात कर रहा हूँ, तालीम से मुझे इतना गर्ज नहीं है, तरबियत होगी तालीम खुद ब खुद आ ही जाएगी, ठीक है। तो जो औरतों की तरबियत होना, बच्चियों की तरबियत होना, माओं की तरबियत होना, ये बाकायदा एक पूरी रिसर्च है, एक पूरी साइंस है, जिसकी जब ये होगा तो हमारा ये जो नरेटिव है ये ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। जी सर बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करूंगी। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम में आपसे आप ही की फील्ड से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड एक सवाल करना चाहूंगी आपसे। सर बेसिकली ऐसा समझा जाता है कि जो सोशल मीडिया है और जो टीवी मीडिया है हमारी औरतों को हमारे मुआशरे में आने वाली नस्लों के लिए पीस, हार्मनी, टॉलरेंस का सफीर बनाने में नाकाम हो रहा है। मतलब मैं एक ही सवाल में आपके लिए दो सवाल छोड़ना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप उन दो सवालों को बहुत अच्छे से एलेबोरेट करें और हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस हैं, उनको बताएं इस बारे में। तो सर मैं इसमें एक और ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, क्या आपको क्या लगता है कि जो हमारे तमाम मीडिया हैं हमारी औरतों पर कौन कौन से साइकोलॉजिकल असरात डाल रही हैं और इनके हमारे आने वाली नस्लों पर क्या असरात हो सकते हैं? लाइक कैन यू प्लीज एलेबोरेट दिस थिंग। जी बेटा जज़ाकअल्लाह खैर, आपने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा है बेटा, और मैं आपको इस सवाल का जवाब दो कहानियों में सुनाऊंगा, ठीक है। पहली कहानी, मेरे पास एक बच्ची आई, एक बच्ची का केस आया, वो बच्ची कभी जिंदगी में सेकंड नहीं आई थी, हमेशा फर्स्ट आती थी, ठीक है, और उसका मेडिकल सेकेंड ईयर में वो फेल हो गई। तो उसके फादर मेरे पास लेकर आए कि इसको एग्जाम स्ट्रेस हो गया है। मैंने जब उस बच्ची का सेशन शुरू किया, 5 मिनट बाद मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा लड़का कौन है आपकी ज़िंदगी में? कहती जी कोई लड़का नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मैंने कहा बेटा ऐसी बात नहीं कि किसी गलत सेंस में है, लेकिन कुछ ना कुछ है। तो वो रोना शुरू हो गई, कहती है सर आपको पता है कि मैं जो हूँ ना हमेशा फर्स्ट आई हूँ, मुझे इम्पोर्ट, मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है तो मुझे इम्पोर्टेंस इसलिए मिलती थी कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं फर्स्ट आती हूँ, लेकिन सर इस दफ़ा एक लड़का जो कि हमेशा लास्ट आ रहा था वो सेकंड आ गया और सारे बच्चे बच्चियां उससे नोट्स लेने चले गए। और आप जानते हैं सर ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा नहीं बेटा आप बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि सर मेरी नाक बहुत मोटी है, मेरा रंग काला है, मैं जितनी भी क्रीमें लगाती रहूं मैं उन गोरियों जैसी गोरी नहीं बन सकती। सो बच्चे मेरा आप सबसे शफक सवाल है, और मैंने उस बच्ची को सेल्फ इमेज का
सेशन दिया बाय द वे, सो एग्जाम स्ट्रेस का सेशन नहीं दिया था, और उसके अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने के बाद उसने अपना वो सेकंड प्रॉफ भी पास किया और थर्ड प्रॉफ फिर से टॉप किया। बात यह है कि जो हमारा मीडिया जुल्म कर रहा है, ये जो दिखा रहा है कि गोरे को काला करना और काले को गोरा करना, ये जो दिखा रहा है कि जी हुसन का मेयार क्या है, ये जो दिखा रहा है कि जो मेकअप लगाएगा, ये जो सुबह मॉर्निंग शोज में नाच गानों के साथ शादियों के मेयार सेट किए जा रहे हैं, ये जो शाम को ड्रामों में इसकी माँ उसकी बहन उसकी माँ इनको निकालो उसके खिलाफ साजिश, ये औरतें सिर्फ साजिश ही करती हैं, ये जो कुछ दिखाया जा रहा है, और बेशक कि औरत को शुरू में वैम्पायर दिखाकर बाद में उसको अच्छा रोल दिया जाता है, लेकिन वो जो वैम्पायरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो 18 एपिसोड चलता है और एक एपिसोड में वो औरत अच्छी बन के सामने आती है। सो आप सोचो कि 18 एपिसोड में उसके साथ मीडिया क्या जुल्म कर रहा है, क्या नरेटिव बिल्ड कर रहा है। ये जो हमारी बहनें जो असेंबलियों में जाती हैं, जो हमारी बहनें सियासत में आती हैं, जो हमारी बहनें आपकी तरह टीचिंग करती हैं, जो ये काम कर रही हैं, ये वो काम है जो हमारी औरतें जब करेंगी तो मुआशरा बदलेगा, वो नहीं जो मीडिया उनसे करवा रहा है। और फिर मीडिया हमारी बहनों को, वो चाहे मरीम नवाज शरीफ हो, वो चाहे इमरान खान की वाइफ हो, वो चाहे बेनजीर हो, हमारा मीडिया उनको जलील करने में कोई कसर नहीं रखता वक्त के साथ साथ। मेरा ये सवाल होता है कि क्या हमारी माएँ बहनें बेटियां इस सलूक के काबिल हैं कि हम उनको इतना डिग्रेड कर दें और फिर हम कहें कि जी ये देखें ये क्या हो रहा है यहाँ पर। सो जब हम अब खुद डिग्रेडेशन की तरफ लेकर जाएंगे तो जो अच्छे काम करने वालियाँ हैं या करने वाले हैं वो भी जो है उसमें रुक जाएंगे। मेरे आपकी गेस्ट आ गई हैं उज्मा मैडम, तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी मैम सैयदा उज्मा कादरी आपका, जो आप आई हैं और हमें ज्वाइन किया है। मैं बिल्कुल समझ सकूंगी आपकी प्रॉब्लम, इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू होता है ऑनलाइन सेशंस में, बट फिर भी आपने हमें ज्वाइन किया, बेशक देर से किया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच, आई वॉज वेरी मच इन विद यू इन कॉन्टेक्ट। मैं तो 5 मिनट्स पहले 2 बजे से आ गई थी, मगर वो इंटरनेट का आपका इशू आ रहा था और अब बड़ी मुश्किलों से आई कनेक्टेड। और ये है कि आप अगली दफ़ा जूम पे प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि मैं आई बीन अटेंडिंग मीटिंग अब्रॉड एज वेल, कॉमनवेल्थ की परसों मैंने किया और इसी सबके साथ किया, तो वो कम्फर्टेबली हो गया था। इट टुक मी अ वाइल कि आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए, तो आई एम सॉरी। जी आपकी बात को हम जरूर फॉलो करेंगे और आपके सजेशन को जरूर नेक्स्ट टाइम हम उस पे ही काम करेंगे और इंशाल्लाह जूम मीटिंग ही करेंगे। सो मैम बेसिकली आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूँ कि बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है उसका ताल्लुक खवातीन से है, लाइक बिल्डिंग द नरेटिव ऑफ टॉलरेंस एंड हारमोनी थ्रू वुमेन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की औरत से। तो मैं अपना पहला सवाल आपके पास लेकर जाना चाहूंगी, आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगी, और ये इसका ताल्लुक बिल्कुल एमपीएस से ही है, तो मुझे बहुत खुशी होगी और ये एक अहम सवाल भी अगर आप इसका जवाब हमें दें। तो बेसिकली मैम हमारे मुआशरे में औरत को मजबूत बनाने और इसका किरदार सराहने में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स काम कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं बहुत सारी एनजीओज है, एसएसजी को एसएसडीओ को ही ले लें आप, इसी तरह लिटरेचर है, मीडिया है, जो बहुत सारे काम कर रहे हैं हमारे मुआशरे में औरत के हकूक के लिए। मैं यहाँ पर एमपीए अपनी ऑनरेबल एमपीए सैयदा उज्मा कादरी से सवाल करना चाहूँगी कि मैम आप क्या किरदार अदा कर रही हैं, लाइक जो मेंबर्स ऑफ असेंबलीज हैं वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं औरत का किरदार बुलंद करने और पूरी दुनिया के सामने औरत को पीस टॉलरेंस हारमोनी का सफीर रिप्रेजेंट करने में। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट फोरम, एंड आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट एसएसडीओ फॉर यू नो होल्डिंग बैक दिस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एंड I feel that a role of women is like a backbone in the society, and in our society I think females have all the liberation to work where they ever they want to, and as an MP I can say that I think I was a very shy person, very home oriented when I was very young. When I entered the political system I was only 23 years old, and that is like my husband is a full-fledged politician aur unki maine halke mein unka election jo tha wo conduct kiya, to jab main aayi to sab haste the ki ye kya conduct karenge ye ye wo, believe me by the end of the day that I was so organized, main workers se pehle aayi hoti thi aur unke sath raat 10-10 baje tak kaam karti thi, aur humne वहाँ पर उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी तकरीबन 17, हमने आई थिंक विद इन 10 डेज
क्योंकि वो बाय इलेक्शन था वो कर ली. कहते हैं ना वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे. आई फील दैट एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी सेट की जा सकती हैं, बहुत सारी होल्ड बैक की जा सकती हैं. इफ गो बैक तो महात्मा फातिमा जिना की मैं मिसाल देना चाहूँगी कि किस तरह वो शोल्डर टू शोल्डर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के साथ काम करती रही. बेनज़ीर साहिबा जो पहली खातून एशिया की प्राइम मिनिस्टर थी. आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक अपॉन. और अगर हम और आगे जाएँ और जो अगर मैं इधर अपने रिलीजन को कोट करना चाहूँगी, हज़रत खदीजा वाज अ एंटरप्रेन्योर एंड शी वाज लाइक उन्होंने जो खूबसूरती से जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उम्र में बड़ी थी मगर बिजनेस का जितना उनको इल्म था, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. मतलब वो तो वजह तकलीफ कायनात माशाल्लाह और हमारे लिए सबके लिए एक मशले राह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सूरत और सीरत है. आप देखिए उन्होंने भी एक खातून को उनके इल्म को उनके तजर्बे को उनकी जहानत को प्रमोट किया. मैं यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो माशरे में एक चीज डेवलप होती जा रही है वो इंटॉलरेंस है. हम टॉलरेट नहीं कर सकते हम एक दूसरे की बात को. जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन आप फेस करते हैं, मैं समझती हूँ कि हम सबको ये एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में जब हम जाते हैं तो हम बहुत सारे चीज़ों को बहुत अहम एस्पेक्ट्स को पीछे छोड़ जाते हैं. एक घर में क्या होता है कि जी बेटा बेटी साल का डिफरेंस है, अम्मी पानी के लिए कहेंगी तो बेटी चाहे पढ़ रही है दोनों के फाइनल एग्जाम्स है वो बेटी को आवाज़ देंगी. तो उससे ये होता है कि बच्ची के दिल में ये आता है कि मैं भी उतना ही पढ़ रही हूँ, बेटे को कोई काम नहीं कर जाएगा. ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, आप यही चीज ये आगे जाकर लड़कों के माइंड से कर जाता है कि जी वी आर लाइक सुपीरियर घर से. हमें एज अ मदर ये चीज बच्चों को सिखानी है, स्पेशली लड़कों को सिखानी है कि आप अपने काम से अपने कंडक्ट से आप तब सुपीरियर हो गए. ये नहीं कि आप लड़के हो तो आप सुपीरियर हो गए. मैं इधर सुधार मैं प्रिडिक्ट नहीं करना चाहती कि रिलीजन में बिल्कुल मर्द जो है. मैं ये भी बात बताती जाऊँ जिन घरों में बाप का रोब नहीं होता वहाँ बच्चे खराब होते हैं. हमेशा अल्लाह ताला ने ये बात बनाई और बिल्कुल बाप जो है उसकी रिस्पेक्ट उसकी रोब घर में जिन जिन घरों में आप देखे जहाँ माएँ ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा वो उस तरह से उनका कंडक्ट होता है वहीं पर बच्चे मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं वहीं पर बच्चे. ये हमें बैलेंस आउट करना चाहिए तो वी हैव टू टीच आवर सोसाइटी वी हैव टू एजुकेट आवर सोसाइटी एंड प्लस हमारे रिलीजियस जो स्कॉलर्स हैं वो माशाल्लाह मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनकी बात सुन के तो आपको लगता है कि इस कदर खूबसूरत बात इस हमारे मजहब ने सब कुछ कम्प्लीट कर दिया है. और वो हमारा मजहब तो पीस हारमोनी का जो दर्श है वो पहले लग से हमें देता है मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कम पढ़े लिखे मौलाना हजरात हैं वो कुछ इतने अजीब सी पिक्चर पेंट करते हैं जो कि किसी की समझ से भी नहीं आती. और हमें ये देखना है कि जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे भी हैं. जहाँ अब मीडिया का जो रोल आ जाता है, मीडिया के रोल पर मैं बात करूँगी कि मीडिया में मैं हमेशा इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बिलीव करती हूँ कि जब आपके गेस्ट आते हैं पॉलिटिक्स आते हैं हमारी पूरी दुनिया देख रही है, हमारे बच्चे देख रहे हैं. आई एम सॉरी टू से दिस, जिस तरह से कंडक्ट किया जाता है, जिस तरह से कंडक्ट होता है politicians ka being a politician I can say that I can suggest them that instead of raising their voices they should raise their argument. Wo duniya zyada behtar tarike se sunegi, zyada appreciate karegi. And unfortunately we like to raise our voices, we like to howl and shout and I don't know, hame ek dusre ka respect regard ek dusre ki leadership ki ek dusre ki mazhab ki ji ma'am this is very important. हमने लोगों को ये सिखाना है. जी मैम बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. अगर आप मजीद से बात करना चाहते हैं तो मैं जी मैम मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक होंगी और इसी को बात को कंटिन्यू करूंगी और सेकंड करूंगी. आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया कि हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत पाई जाती है. तो मैं अपने साइकोलॉजी जो माइंड इंजीनियर हमारे मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या सर आपको ये आप लोगों को नहीं चाहिए कि आप लोग
हमारे जो बच्चे हैं बच्ची हैं उनकी काउंसलिंग करें, उनके माँ बाप की काउंसलिंग करें कि वो जो माशरे में औरत को एक बेटी को वो मकाम नहीं दिया जाता जो कि एक बेटे को दिया जाता है। उस्मा मैम, उस्मा कादरी ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं चाहूंगी कि आप इसमें अपना कोई चीज ऐड करें क्योंकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है तो हमें कंक्लूड भी करना है हमारा सेशन। सो प्लीज गो अहेड मिस्टर मोहम्मद अली। जी बेटा, बहुत ज़बरदस्त बात की उस्मा बहन ने, और मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बता दूँ शफ़क के, बात यह है चैरिटी हैज़ टू बिगिन एट होम। मेरी माशाल्लाह बेटे, मेरे चार बच्चे हैं, मेरी बड़ी बेटी, फिर बेटा है, बेटी फिर बेटा है। मेरी बेटी और बेटे ने इकट्ठे ICC में क्रिकेट का अपने लेवल वन शुरू किया। मेरी बेटी को क्रिकेट पसंद नहीं आई तो उसने कहा कि मैंने राइडिंग करनी है। शी इज़ अ प्रोफेशनल राइडर, अ प्रोफेशनल आर्चर, अ प्रोफेशनल स्विमर, ठीक है, एंड माई सन इज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। Now they both have got the same equal opportunities on their in their fields of interest. See? Now जब मैं ये example देता हूँ तो ये example मैं इसलिए देता हूँ कि मेरी बेटी ने गाड़ी अगर चलानी है तो मेरी बेटी has the first right because she is elder and if she has a bigger work to do. So ये equality हमने खुद जब घर में establish करनी है, मैं as बाप करता हूँ, मैं as बाप ये काम करता हूँ, मेरी वाइफ क्या करती हैं, सुन रही होंगी, मारना पड़ जाए मुझे, लेकिन मेरी वाइफ क्या करती है कि वो मैंने जो बात की थी कि औरत औरत के साथ क्या कर रही है, तो वो पहले नहीं 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 बेटे को बिठाओ, तो फिर मैं कहता हूँ बेटे को बिठा के बेटी को क्यों भेज रही हो। हमारा सबसे बड़ा जो कॉन्फ्रंटेशन होती है ना होती है इस बात पे। तो जहाँ आपने ये बात की ना, जी जहाँ आपने ये बात की ना कि हम माशरे में हम इसको कैसे, हम इसको माशरे में बेटा सिर्फ इस तरह ही शफक ला सकते हैं कि मैं यहाँ पर पेरेंटिंग के सेशन कराता हूँ। आप यकीन करो, मैं दुबई में जब ये सेशन करता था मेरे पास 100-150 बंदा आके मेरे सेशन में बैठता था। मैं दो साल पहले जब पाकिस्तान आया हूँ, पिछले दो साल मैंने 3 दफ़ा सेशन अनाउंस किया है, एक बंदा नहीं आया आज तक सेशन अटेंड करने। तो बल्कि मुझे ये कॉलेज जरूर आई, आप हमें पेरेंटिंग सिखाएंगे, पेरेंटिंग तो ये कोई चीज़ ही नहीं है। अरे भाई, ये पेरेंटिंग और ये जो है अपने यूनिट्स को बनाना, फैमिली यूनिट को बनाना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ किसी आपके व्यूअर का कमेंट था कि जी जो पीस होगा अंदर तो टॉलरेंस ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। ये जो इनर पीस है ये तभी आता है जब हमारी माएँ बहनें बेटियाँ पीस में होती हैं, जब वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं कर रही होती, जब वो अपनी दौलत दूसरे की दौलत से मुकाबला नहीं कर रही होती, ठीक है। सो ये आपका जो ये सेशन है, इस तरह के सेशंस होंगे या इवन माई सर्विसेज आर अवेलेबल फॉर ऑन अ लॉन्गर पीरियड। मैं विमेन एम्पावरमेंट पे मिडल ईस्ट में इतने सेशंस करता रहा हूँ, यहाँ अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है इसी तरह की 2-3 टॉक्स ही हुई हैं, लोग पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज विमेन एम्पावरमेंट इज कंसिडर्ड एज के बाहर निकल के मैं जो मर्जी करूँ, मेरा जिसम मेरी मर्जी, इज कंसिडर्ड एज विमेन एम्पावरमेंट। जी जी, उसमें मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड ऑन करना चाहती हूँ। हमारे जूनियर में शुभाशरीफ साहब ने बहुत हमारा ज़बरदस्त काम था विमेन एम्पावरमेंट पे, हमने लेजिस्लेशन की एंड उस पर यह था कि हमने एक बहुत ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में तो फीमेल्स हुआ डिप्राइव, हम बहुत सारे हर वर्क ऑफ लाइफ में खवातीन, वो जो खवातीन जो शादी की उम्र गुजार चुकी हैं और जो अनपढ़ी लिखी हैं, बिलीव में घरों में उनके साथ सर्वेंट से बदता चली देता, जब अनपेड सर्वेंट जब बीटन बाय देयर फादर्स, देयर ब्रदर्स एंड ओन मदर्स, और उनको उनके लिए कुछ लोगों तक रसाई इतनी मुश्किल थी तो वो बेचारे उन तक पहुँचना नामुमकिन था। फिर हमने लोकल गवर्नमेंट और हेल्थ वर्कर्स ने बहुत सपोर्ट किया, हमने उनको मतलब घरों में जैसे ये सिलाई कढ़ाई का काम था, जो मतलब यू नो वो बेचारी दुनिया पे आ गई थी थोड़ा सा कमाना घर बैठे, क्योंकि उन्हें इजाज़त नहीं थी बाहर निकलने की, और उनको रिस्पेक्ट भी शेयर होने शुरू हो गई पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि वो उनको बर्डन समझते थे। अब जहाँ तक इस बात ताल्लुक आता है कि जो हम बच्चों की बात करते हैं, आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस, आई हैव वन सन माशाल्लाह, बट मुझे मैं इसलिए क्योंकि मैं हम चार बहनें हैं, मुझे पता है कि चार मतलब बेटियाँ और बेटे का डिफरेंस। आई रिमेंबर दैट माई फादर ऑलवेज यूज टू यू नो बेटियों की बात को प्रिफर करते थे रादर देन बेटे की बात, भाई मेरा सबसे बड़ा, मगर माई मदर यूज टू इंडोर्स, हमेशा वो गिल्ट फीलिंग होती थी उनको कि भाई 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 ने कोई हमारी अपनी बात मनवानी थी, यूज टू गो थ्रू अस, एंड उसकी वजह क्या थी, माई फादर यूज टू से कि वो एक ही एक है और ख़राब ना हो जाए। इसी तरह मैं अपने बेटे की एग्जाम्पल देखती हूँ कि माशाल्लाह आई हैव वन सन, मगर मैंने उसको हमेशा
मतलब जब छोटा था मैंने उसको पढ़ाती थी, इज नॉट मेड दिस चाइल्ड, कोई उसके अंदर वो नहीं है, लाइक आई वाज अ वर्किंग मदर। मैम मैं आपके इसी बात से सेकंड करूंगी और मैं आपसे एक और सवाल आपके इसी वाक्य को मैं आगे इंडोर करूंगी और आपके आपसे इसी वाक्य से आगे एक सवाल पूछूंगी। मैम आप किस तरह समझती हैं कि पाकिस्तानी औरतें हमारे आने वाली नस्लों को पीस टॉलरेंस एंड हार्मनी दर्श देने के लिए कार्विश लाइक कर रही हैं? आप बहैसियत एक्टिव ऑफ वुमेन सोसाइटी मुझे इसका प्लीज जवाब दीजिएगा। यही बात बताने लगी हूँ कि आई वॉज अ वर्किंग वुमन, माई पैशन वॉज क्लाइमेट चेंज, I've been working for COP21 conference and other conferences. आप बिलीव करें कि वो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंसेज होती थी, माय सन वाज स्टडिंग इन एटीन कॉलेज, स्कूल में था, मैं इसको छोड़ती थी सुबह 6 बजे और मैं सीधा अपनी मीटिंग अटेंड करके आई यूज टू कम बैक फ्रॉम इस्लामाबाद। तो आप सब कुछ कर सकते हो, अल्लाह ताला ने ये खवातीन के अंदर चीज डाली है, मर्द ये नहीं कर सकता, मल्टी क्लास औरत कर सकती है, मैं घर भी देख सकती हूँ औरत, मैं बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ, उनके एक्टिविटीज को भी देख सकती हूँ। आदमी मैं ये खुदा ना खास्ता उनको अंडरमाइन नहीं कर रही, मगर एक उनके अंदर चीज जो है वो वन साइडेड काम कर सकते हैं, औरत मल्टी टास्क कर सकती है, और इसी चीज को हमने प्रमोट करना है अपनी खवातीन के लिए कि हाउ दे कैन मल्टी टास्क, हाउ दे कैन यू नो साइकोलॉजिकली, बिकॉज द फीमेल हैज अ ब्रेन विच इज बिगर देन देयर हार्ट। अगेन यू समटाइम्स हम इसको यूज नहीं करते हैं, समटाइम्स अपना टाइम वेस्ट करते हैं टेलीफोन कॉल पे, लंबी लंबी बातें वो आपको एग्जॉस्ट कर देती हैं, एनर्जी लेवल्स ख़त्म कर देती हैं। हमने सबसे पहले एक जो एक थम रूल है दैट इज दैट पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी इज लाइक क्रिएट्स अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी बॉडी। हमारी खवातीन में जो अब बहुत ज़्यादा है एक्सरसाइज वर्कआउट बहुत हमारी मदद, कुछ हमारी खवातीन जब हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने पूरा औरतों के लिए एक पार्क अलहदा बनाया, आपको पता है टाउनशिप की जो साइट थी वो स्लम्स थे, हस्बैंड डिड अ लॉट ऑफ वर्क, आप यकीन करें कि उसमें जिम था, उसमें वॉक ट्रैक था, देन उनकी स्पा बनवाया, हालांकि वो देयर लाइक फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, मगर वो इतनी खुश हुई कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो पार्क भरा होता था, वो जिम भरा होता था, क्योंकि वो अपने टाइम से वो खाने भी खुद बनाती हैं वो औरतें, वो कपड़े भी खुद धोती थी, वो आप अगर वो एरिया आप देखो टाउनशिप का जिस बिल्कुल वो रिमोट एरिया है, एज अ गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये हेल्थ सेशंस जो हैं हमारे खवातीन तक वो आम औरत जब तक नहीं बेनिफिट होगी किसी चीज़ से तब तक हम मुआशरे में चेंज नहीं ला सकते। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करूंगी और बिल्कुल मुत्तफिक करूंगी मैम उज़्मा कादरी। बेसिकली हमारे प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट है क्योंकि जो एमपीए उज़्मा कादरी साहिब है उनको पंजाब असेंबली का सेशन भी अटेंड करना है। पहले तो मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने टाइम दिया, आज जुम्मा था और इसके बाद आज स्पेशली जो असेंबली का सेशन था हमारे एमपीएस को वहाँ भी जाना था, इसके बावजूद हमारे एमपीएस ने हमें ज्वाइन किया और हमारी ऑडियंस को हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अपने पर्सपेक्टिव और अपने रिव्यूज के साथ उनको आगाह किया। तो मैं इस सेशन को कंक्लूड करना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो मैम उज़्मा कादरी ने आज के इस जो सेशन में एक बहुत ही अहम जो पॉइंट था वो रेस किया वो था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का, और रही बात मोहम्मद अली साहब की तो उन्होंने वो जो दुबई का वाकया सुनाया वो हमें जरूर एटलीस्ट याद रहेगा सर मोहम्मद अली। और सेकंडली मैं लास्टली कंक्लूड करने से पहले चाहूंगी कि आप दोनों मेहमानों से चाहूंगी कि अगर आप शॉर्टली हमारे ऑडियंस को या व्यूवर्स को एक मैसेज दे दें हमारे टॉपिक से रिलेटेड। सो मैम उज़्मा कादरी आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी, मैम प्लीज क्विकली। जी मैं ये समझती हूँ कि एज अ फीमेल आई फील दैट वी हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एनी फीमेल कैन शुड बी द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज बच्चा पहला कदम गोद आपकी गोद से, पहला तरबियत आपकी गोद से लेता है, तो माँ पॉजिटिव होगी तो बच्चा पॉजिटिव होगा, पर बच्चा पॉजिटिव होगा तो हमारी सोसाइटी पॉजिटिव होगी। एंड प्लीज स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विल नॉट द आंसर, वी हैव टू डिवेलप पीस एंड हार्मनी इन आवर सोसाइटी थ्रू आवर लव केयर अफेक्शन एंड इक्वालिटी। थैंक यू वेरी मच।
जी मैं मोहम्मद अली साहब आपके पास आना चाहूंगी। सर आप क्या हमारे व्यूअर्स को आज के टॉपिक के हवाले से मैसेज देना चाहेंगे? बेटा मैं आपके व्यूअर्स के दो मैसेजेस पढ़ के उनके ऊपर दो शेयर दूंगा और वही मेरा पैगाम है। शहजादी यूनुस ने लिखा है यहाँ पर कि इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर। तो मेरा इसके ऊपर जो शेर है, जो जवाब है मेरा, वो ये है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। शेर व नंग व अजदहा मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा, नफ्से अम्मारा को गर मारा। तो ये मेरा इस सवाल का पहला जवाब है कि हम अपने से बड़ा, मुझसे बड़ा मेरा दुश्मन कोई नहीं है, दुनिया में इससे बड़ा दुश्मन पैदा नहीं हुआ। दूसरा, अतीबा ने लिखा है कि सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट नॉट फेमिनिज्म। आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। और उसके लिए बेटा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शेर है वो ये, इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। जब आप अपने बन जाएंगे तो आपको वो जो दुबई वाली वाकया वाली बात इसने जो की, आपको किसी के अल्फाज की जरूरत नहीं पड़ेगी ये बताने के लिए कि हाउ ब्यूटीफुल डू यू लुक। अल्लाह सुभान व तआला ने सूरह सात की आयत नंबर 7 में फरमाया है कि मैंने जब इसमें अपनी रूह फूंकूंगा तब तुम इसे सजदा करना। तो जिसमें अल्लाह ने हम सब में अपनी रूह फूंकी है तो हमसे खूबसूरत दुनिया में पैदा ही कोई नहीं हुआ। तो यही मेरा पैगाम है, लव योरसेल्फ। जी बेसिकली इन ऑनलाइन सेशंस का मकसद हमारा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस मुल्क में अमन टॉलरेंस हारमोनी का एक स्लोगन है, इसके अलावा उसको प्रमोट करने का हमारा बेसिकली हमारा इसके पीछे एक रहा है मोटिव। और सेकेंडली ताकि हम इस मुल्क को, पाकिस्तान को एक पीसफुल कंट्री बनाने में अपना रोल अदा कर सकें, अपना रोल प्ले कर सकें, तो इसलिए हमारे ऑनलाइन सेशन का बेसिकली ये मकसद रहा है। तो मैं भी इस सेशन का इख्तिताम करना चाहूँगी अगेन एक दफ़ा अपने जो ऑडियंस थे अपने उनका भी शुक्र अदा करूँगी उन्होंने हमें देखा और हमारे आज के टॉपिक को सराहा। इसके अलावा अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करूंगी, उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। इसके अलावा जो सानिया कामरान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन करना था, अनफॉर्चुनेटली उनके पर्सपेक्टिव को जानने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम नेट इश्यूज वो भी हमें कनेक्ट नहीं कर पाई। तो मैं अपने इस सेशन का इख्तिताम एक सीधी सी बात से करना चाहूंगी कि बेशक ना तो हम तरक्की कर सकते हैं और ना ही हम किसी मकाम को पहुंच पाएंगे अगर हमारी आधी से ज्यादा आबादी हमारे मुल्क की फलाह व बहबूद में हिस्सा ना ले पाए। और अगर हम औरत का मकाम बुलंद ना कर सके तो ये जान लेना होगा कि ना तो औरत के किरदार के बगैर अमन मुमकिन है और ना ही हम टॉलरेंस और हारमोनी को प्रमोट कर सकेंगे। अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक मिसाली मुल्क बने, हमारे मुल्क में अमन प्रमोट हो, हम हारमोनी पीस टॉलरेंस के जरिए पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकें, तो हमें आधी से ज्यादा आबादी पर ज्यादा तवज्जो देना होगी। औरत ही हमें इन बातों में बामिसाल बना सकती है और हम एक बेहतरीन कौम बन सकते हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़ व नासिर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।